मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को पटना पहुंचे। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में श्री कृष्ण चेतना विचार मंच की ओर से उनका अभिनंदन किया गया। उन्होंने बिहार के लोगों को मध्य प्रदेश में व्यवसाय करने के लिए न्योता दिया। मोहन यादव ने कहा कि आप MPIA बसना हो तो हमेशा बसने के लिए आएं। मेरी प्राथमिकता आम इंसान की जिंदगी बदलना है। लोकतंत्र को जिंदा रखने में हमारे समाज की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं। हम लोगों का रिश्ता शब्दों से ज्यादा भाव का है। माता सीता की जन्मस्थली पर आकर हाथ जोड़कर आप सभी का प्रणाम करते हैं। ऐसी पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं। बिहार के नाम को लेकर कंफ्यूजन है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण के अभिनंदन के लिए दो राज्यों यूपी बिहार का नाम एक साथ आ जाता है। इससे बढ़कर कुछ है क्या? ये बिहार सम्राट अशोक और महावीर की धरती है। मैं सौभाग्यशाली हूं। हजारों सालों से मध्य प्रदेश बिहार का रिश्ता रहा है। जो यहां राजा बनता था वो पहले मध्य प्रदेश में गावारणार रहता था। शिक्षा के मामले में हमारा समाज कितना जागृत है इसका उदाहरण 5000 पहले से कृष्ण ने दिया है। जो सत्ताधीश का वध करें और सत्ता पर न बैठे वो शिक्षा से सबूत हो सकता है। इस देश में चाय बेचकर जिनका परिवार चलता हो वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। हर के जीवन की कहानी कठिनाइयां हो सकती है, इससे हमें घबराना नहीं है। इस कार्यक्रम के बाद मोहन यादव BJP ऑफिस पहुंचे, जहां वे पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उनका इस्कॉन मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है। राम करता है जगत जननी माँ भगवान राम का वर्तमान का स्वरूप जिस प्रकार से दुनिया में पूजा गया। हम कल्पना करें कि भगवान राम के साथ जीवन में जब तक माता सीता नहीं जुड़ी तो राम जी का स्वरूप इस प्रकार का था, लेकिन सीता जी के आने के बाद पूरा जीवन सीता जी और सीता जी के बाद का काल भी राम जी का जो जीवन आया वो वाकई माता जी के कारण से आया है। ऐसी पवित्र धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।